नमस्कार जी, एमडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नंदिनी लाक्षकार। कोरोना संक्रमण पे आज की सबसे बड़ी खबर, जहां एक दिन में 1000 से भी ज्यादा संक्रमण के मामले सामने आए। तो देश में एक ही दिन में 1000 से भी ज्यादा कोरोना संक्रमित मामले सामने आए, जिसमें 40 से भी ज्यादा की हुई मौत। और अब तक का एक दिन का सर्वाधिक ये मामला। आपको बता दें कि लॉकडाउन बढ़ाने पर पीएम मोदी आज करेंगे मुख्यमंत्रियों से वार्ता। तो वहीं कानपुर में हॉटस्पॉट सील करने का आज तीसरा दिन। और इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अंजनी निगम जुड़ चुके हैं। अंजनी जी, जिस तरह से संक्रमण का मामला सर्वाधिक कब तक सामने आया, जो स्थिति बनती जा रही है, क्या कुछ कहेंगे आप? जी देखिए, तो ये जो बीते 24 घंटे हैं, ये बड़े खतरनाक हो गए हैं जी। इनमें एक दिन में 1000 से अधिक लोग संक्रमित पाए गए हैं कोरोना पॉजिटिव, और 40 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्पष्ट किया है जी, इसको लेकर घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी हम लोग कम्युनिटी ट्रांसमिशन की तरफ नहीं बढ़े जी। जी, अभी तो वो लोग हैं जो संक्रमित थे, उन्होंने दूसरे को संक्रमित किया है, इसलिए ये अलार्मिंग जरूर है बिल्कुल, लेकिन डेंजरस नहीं है। उसके साथ ही उसने ये भी कहा है स्वास्थ्य मंत्रालय ने कि इसमें बहुत सतर्कता बरतने की जरूरत है जी। देखिए, शायद इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुख्यमंत्रियों के साथ अभी कुछ देर बाद वार्ता करेंगे जी, और वार्ता करने के बाद लॉकडाउन 14 तारीख तक तो है ही, 15 से खुलेगा या आगे बढ़ेगा, इस पर विचार करेंगे जी। जी, देखिए, 3 राज्य हमारे सामने हैं जो पहले ही इस पर निर्णय, 2 राज्य तो निर्णय ले चुके हैं, अमल कर चुके हैं जी, जिनमें एक पंजाब है जिसने 1 मई तक कर्फ्यू की अवधि बढ़ा दी जी। दूसरा राज्य है जिसने उड़ीसा, जिसने 30 अप्रैल तक लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई। तीसरा तेलंगाना है जिसने ये प्रस्ताव किया है अपने अधिकारियों और अन्य लोगों से विचार विमर्श के लिए जी, जी, कि क्यों ना जून तक आगे लॉकडाउन बढ़ा दिया जाए, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात है, वो कहावत है, जी है तो जहान है बिल्कुल, माने अगर जीवन है तभी दुनिया है, अगर जीवन ही नहीं है तो दुनिया नहीं है। जीवन को बचाने के लिए, क्योंकि अभी तक इसका एंटी वैक्सीन नहीं आया है इस वायरस का, जो इम्यूनाइज करने से ठीक हो जाए। हालांकि ICMR ने एक अच्छी बात कही है, वो ये कही है कि प्लाज्मा इंजेक्ट करने से, इसमें क्या होता है कि अभी हम लोगों ने एक ऑनलाइन अपने चैनल में एक इंटरव्यू किया था डॉक्टर बाल एवं किशोर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राज तिलक का, डॉक्टर राज तिलक ने 4 अप्रैल को यह बात कही थी कि पैसिव इम्यूनाइजेशन वही होता है जिसको आज ICMR ने प्लाज्मा के रूप में बताया है, कि जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट जो ठीक हो चुके हैं उनके अंदर कोरोना वायरस से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती हैं, तो उनके ब्लड से कुछ थोड़ा सा 5 ml 10 ml ब्लड निकालकर और उसमें से वो प्लाज्मा या एंटीबॉडीज निकालकर वो जो पेशेंट है उसमें इंजेक्ट करने से उसके अंदर भी एंटीबॉडीज डेवलप होने लगती हैं और ऐसे मरीज ठीक हो जाते हैं। वुहान जहां से कोरोना वायरस का संक्रमण शुरू हुआ था, वो इसका जीता जागता उदाहरण है। वहां पर यही किया गया था कि इंजेक्ट किया गया था और इंजेक्ट करके लोगों को ठीक कर लिया, और आज देखिए वुहान की स्थिति ये हो गई कि वहां सब कुछ ओपन हो गया है, सब आने हो चुका बिल्कुल। हाँ, तो ये जो पैसिव इम्यूनाइजेशन या प्लाज्मा इंजेक्टीकरण है, ये फायदेमंद चीज है, इसका ICMR ने अब रिकमेंड भी कर दिया, स्वीकार कर लिया है, और आज या कल में इसकी गाइडलाइंस जारी हो जाएंगी कि किस तरीके से आप ले सकते हैं और किस तरीके से उसको इंजेक्ट किया जाएगा, क्योंकि ICMR ही एक ऐसी संस्था है
जो चिकित्सा के क्षेत्र में कार्य करती है अपने देश में, और वही गाइडलाइन जारी करती है हर चीज की, तो वो अब जारी करेगी। तो आईसीएमआर के गाइडलाइन जारी करने के बाद में क्या लगता है, कितनी इम्प्लीमेंट होने में कितना समय लग सकता है, कितनी तीव्रता से हम इसे बढ़ सकते हैं? सकता है कि कितना, देखिए ये डिपेंड करता है कि उस पेशेंट में संक्रमण किस लेवल का है। जी जी, लेकिन ये तो तय है कि चूंकि इसका प्रयोग कई पहले भी तमाम इस तरीके से पैसिव इम्यूनाइजेशन के प्रयोग किए जा चुके हैं, इसलिए ये तय है कि ये कारगर पद्धति है। नंबर दो, मैं कानपुर के बारे में बताना चाहूंगा कि कानपुर में अब कोरोना पॉजिटिव का टेस्ट सोमवार से शुरू हो जाएगा। ये एक अच्छी खबर है कानपुर के लिए, क्योंकि अभी तक यहाँ जो भी सैंपल्स लिए जा रहे थे उनको लखनऊ भेजा जाता था और SGPGI या KGMU में इसका वो जांच की जाती थी, और जांच करने के बाद ही रिपोर्ट आती थी। इसमें 24 से 48 घंटे तक का समय लग जाता था। जी जी। लेकिन अब जब कानपुर में शुरू हो जाएगा तो एक तो समय भी जल्दी लगेगा, दूसरा डॉक्टर आरती लाल चंदानी जो GSVM मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल हैं, उनका कहना है कि हम रोज कम से कम 100 तो परीक्षण कर ही लेंगे, तो इसलिए हम ज्यादा परीक्षण भी कर सकेंगे। दूसरा, आसपास के जिलों को भी ये सुविधा उपलब्ध हो जाएगी, जैसे कन्नौज में कोरोना पॉजिटिव पेशेंट पाया गया है तो कन्नौज में भी जाहिर बात है उस बस्ती को लोगों को सैंपल की आवश्यकता होगी और उसका यहाँ पे परीक्षण करा के इनको रिपोर्ट जल्दी से जल्दी भेजी जा सकेगी। तो ये जो एक काम है ये बहुत अच्छा होगा। दूसरा, कानपुर से जुड़ी एक सूचना और मैं देना चाहूंगा कि कानपुर में हॉटस्पॉट सील करने का तीसरा दिन है और डोर स्टेप डिलीवरी काफी कुछ ठीक हो चुकी है। अभी पूरी तरीके से तो नहीं ठीक हुई है, लेकिन डोर स्टेप डिलीवरी काफी अच्छी हो गई है। सब्जी और फलों का वितरण तो बहुत अच्छा हो गया है। जी। दूसरा, जो किराना और जो अन्य आवश्यक वस्तुएं हैं, दूध दही मक्खन घर के अन्य सामान किराने के किचन के जुड़े हुए, उनकी भी सप्लाई शुरू हो गई है। इसी के साथ एक थोड़ी सी चिंताजनक खबर भी है। जी। कि जो डॉक्टर्स मरीजों का इलाज कर रहे थे कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स का, इनमें से 40 डॉक्टरों में हल्के से लक्षण पाने पर उनको क्वारंटाइन में भेज दिया गया है। 14 दिन के क्वारंटाइन में ये रहेंगे, अगर इनके लक्षण और बढ़ेंगे तो इनका पॉजिटिव टेस्ट भी कराया जाएगा और देखा जाएगा ऐसा तो नहीं ये कोरोना संक्रमित है। लेकिन डॉक्टरों को हटा के एक दूसरी टीम लगा दी गई है डॉक्टरों की, जो अब पेशेंट्स की चिंता करेगी और उनका देख रेख करेगी। ये जरूर है कि हमारे ये जो चिकित्सा बंधु जिनको कोरोना रक्षक या कोरोना वॉरियर्स कहा जा सकता है, इन लोगों ने इस तरीके का एक प्रयास किया है। जी बिल्कुल। तो जिस तरीके से मिली जुली एक तरीके की खबरें हैं यहाँ पर, जहाँ उपचार को लेकर के जो नए गाइडलाइन जारी होने की बात आपने बताई, इसका भी अब इंतजार है कि जल्दी से जल्दी इस पर फैसला हो और नतीजा सामने आए। तो वहीं कुछ अन्य खबरें भी आपने बताई कि जिस तरीके से 40 डॉक्टर्स को क्वारंटाइन करने की खबर है, साथ ही अब खुशी की बात यह भी है कि मेडिकल कॉलेज में जो आपने बताया कि अब यहाँ पर भी जाँच हो जाएगी, यानी कि मिली जुली स्थिति रही इस बीच में कुल मिलाकर के कोरोना केस मामले को लेकर के। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो कोरोना संक्रमण पे आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां देश में एक ही दिन में 1000 से भी ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं, जिनमें 40 से भी ज्यादा मौतें हैं, जो कि एक दिन में अब तक की सबसे ज्यादा हैं। तो इसी स्थिति को लेकर के लॉकडाउन बढ़ाने पर पीएम मोदी आज मुख्यमंत्रियों से वार्ता करेंगे, यानी कि वार्ता के मुताबिक और राज्यों की स्थिति के मुताबिक फैसला लिया जाएगा कि लॉकडाउन की अवधि को कहां, कब और कितना बढ़ाए जाने की जरूरत है। हालांकि कुछ राज्यों ने अभी से स्थिति को देखते हुए फैसला ले लिया है, जहां इस को ऑलरेडी बढ़ाया जा चुका है। वहीं कानपुर की अगर बात की जाए तो कानपुर में हॉटस्पॉट सील करने का आज तीसरा दिन है, और खुशी की बात यह कि इन 3 दिनों के बीच में जो होम डिलीवरी की सुविधा थी, जो अव्यवस्था की आशंका लग रही थी कि कहीं परेशानी ना हो रोजमर्रा के सामानों को लेकर के, वो कहीं ना कहीं कंप्लीट हो चुकी है, यानी कि वहां पर व्यवस्था सुचारू रूप से शुरू हो चुकी है। तो अब चिंता का विषय वहां पर भी नहीं, लेकिन जैसा कि अभी अभी हमने बताया आपको कि GSVM के 40 डॉक्टर्स को क्वारंटाइन किया गया है। आपको बता दें कि GSVM के 40 डॉक्टर्स को क्वारंटाइन किया गया है, यानी कि 14 दिनों के लिए उन्हें अलग रहने के लिए कहा गया है, और वजह यह कि उनमें कुछ
सिम्टम्स नजर आ रहे थे कोरोना के, जब क्वारंटाइन की अवधि के दौरान अगर उनमें पुष्टि होती है कि वाकई में कोरोना के कुछ सिम्टम्स हैं, संक्रमण है, तो फिर उनका टेस्ट भी किया जाएगा। तो वहीं खुशखबर यह है कि मेडिकल कॉलेज में सोमवार से कोरोना की जांच शुरू हो चुकी है, सोमवार से जांच शुरू हो जाएगी, यानी कि अब जो इंतजार करना पड़ता था लखनऊ तक के लिए या आसपास के जिले वालों के लिए भी अब आसानी हो जाएगी। जो समय लगता था पहले, अब सुनिश्चित तौर पर के समय में बचत होगी, यानी कि अब बेहतर सुविधा हो चुकी है, स्थिति बेहतर होती जा रही है। और जैसा कि अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार अंजनी निगम जी ने बताया कि अब आरती लाल चंदानी जी ने कहा है कि एक दिन में तकरीबन 100 तक टेस्ट तो करना पॉसिबल होगा ही होगा कानपुर शहर में। तो कोरोना संक्रमण पर आपको लगातार अपडेट कर रहे हैं, जहां आज की बड़ी खबर जो है, जो कि चिंताजनक भी है, देश में एक ही दिन में 1000 से भी ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए, 40 से भी ज्यादा मौतें, जो कि एक दिन में अब तक की सबसे ज्यादा। तो वहीं कानपुर में हॉटस्पॉट सील करने का आज तीसरा दिन है, और तीसरा दिन होते होते होम डिलीवरी की सुविधा पूरी तरह से व्यवस्थित हो चुकी है, यानी कि अब किसी को भी दिक्कत नहीं है, घर पर रह करके ही उनको उनकी ज़रूरत का सामान मिल जाएगा। और जैसा कि लगातार बात की जा रही है कि भले ही होम डिलीवरी है, भले ही आपको आपकी ज़रूरत का सामान घर तक आप तक पहुँचाया जा रहा है, लेकिन इसके लिए किसी भी तरह का अतिरिक्त चार्ज आपको नहीं देना होगा। तो वहीं अब मेडिकल कॉलेज में सोमवार से कोरोना की जांच भी शुरू हो जाएगी, जिसके चलते अब एक दिन में 100 तक जांचें करना पॉसिबल होगा, संभव हो जाएगा, और इसके चलते कानपुर के आसपास के जिलों के लोगों को निश्चित तौर पर सुविधा होगी, यानी कि अब जांच के लिए उन्हें लखनऊ सैंपल भेजने की जरूरत नहीं है, समय में बचत होगी और टेस्ट भी निश्चित तौर पर पहले से ज्यादा हो सकेंगे। तो वहीं लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने पर भी बात करेंगे पीएम मोदी, आज मुख्यमंत्रियों से ये वार्ता होगी, जिसमें जरूरत के मुताबिक फैसला लिया जाएगा, और फैसला कुछ इस तरह कि क्या कुछ जरूरत है लॉकडाउन को बढ़ाने की, इस पर फैसला लिया जाएगा स्थिति के मुताबिक, जिस तरीके के संक्रमण के आंकड़े सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक। और इस पर बात करने के लिए, जानकारी देने के लिए फतेहपुर से हमारे संवाददाता अमरदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमरदीप, क्या कुछ जानकारी संक्रमण, कोरोना संक्रमण को लेकर जो लॉकडाउन है, लॉकडाउन की स्थिति की क्या फतेहपुर में जानकारी? देखिए, फतेहपुर में आज जो है लॉकडाउन की जो स्थिति सामने निकल करके आ रही है, चाहे वो कचहरी हो, चाहे शहर में प्रवेश करने वाले जितने भी जो है चौराहे हो, सब पे पूरी तरीके से बैरिकेडिंग की गई है जाकर के, और निरुद्देश्य घूम रहे लोगों के खिलाफ जो है कार्रवाई की जा रही है 188 के तहत, और पुलिस प्रशासन भी पूरी तरीके से हर चौराहे पे मुस्तैद दिखाई पड़ रहा है जाकर के। जी, तो मुस्तैदी दिखाई जा रही है, लोगों में किस तरीके की जागरूकता देखने को मिल रही है, क्या अभी भी उन्हें टोकने की जरूरत पड़ रही है? जी हाँ, ऐसा है कि कुछ हर जगह पर बैड एलिमेंट्स टाइप के लोग होते हैं जो निरुद्देश्य घूमते हैं, जो लॉकडाउन का पूरी तरीके से पालन नहीं कर रहे जाकर के, उनको जरूर पुलिस जो है टोक रही है, समझा रही है, इसके बाद भी अगर नहीं मानते हैं तो उनके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है। जी बिल्कुल, तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। वो जगह जैसे कि लगातार कहा जा रहा है कि आपको निकलने की जरूरत नहीं है, या होम डिलीवरी की सुविधा की व्यवस्था की जा रही है, इसको लेकर के फतेहपुर में क्या स्थिति? देखिए, ऐसा है कि लॉकडाउन के अंतर्गत जो सुविधाओं को, जो खाद्य सामग्री लोगों तक पहुंचाने वाली बात जो आ रही है, उसमें जो है शासन प्रशासन और साथ में कई समाज सेवकों द्वारा भी जो है घर घर जो है खाद्य सामग्री भी मुहैया कराई जा रही है। इस तरीके से अगर देखा जाए तो इस समय जो स्थिति है लॉकडाउन की, पूरी तरीके से कंट्रोल में बताई जा रही है जाकर के, और यही हाल लगभग जो है, क्या कहते हैं कि शहर का तो शहर में है ही है, और देहातों में भी, जैसे कि एक हम बात करते हैं तो चांदपुर के दफसौरा में एक समाज सेवी ने भी जो है लोगों को जागरूक करने के लिए, क्योंकि घाटमपुर कानपुर का आखिरी गांव बरीपाल पड़ता है, जहां पर कोरोना का पॉजिटिव व्यक्ति पाया गया, उस चक्कर में डीएम और प्रशासन ने भी वो किया था, मीटिंग की थी चांदपुर थाने क्षेत्र में, तो वहां पर भी जो है पूरी तरीके से लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है। जी
जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लॉकडाउन को बढ़ाने या फिर खत्म करने को लेकर के आज देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करेंगे और इस बैठक में फैसला लिया जाएगा कि अवधि को खत्म करना है, जो लॉकडाउन की निश्चित अवधि थी यानी कि 14 अप्रैल तक का जो लॉकडाउन है वो उतना ही रहेगा या फिर इसको बढ़ाया जाएगा। तो वहीं आपको बता दें कि ओडिशा में पहले ही फैसला लिया जा चुका है लॉकडाउन को बढ़ाने का, यानी कि लॉकडाउन की इस अवधि को बढ़ा करके 14 से बढ़ा करके 30 अप्रैल तक कर दिया गया है। तो वहीं तेलंगाना में भी मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने 3 जून तक इस लॉकडाउन को बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। हालांकि सबके जहन में यही सवाल है कि आखिर कब खुलेगा लॉकडाउन, लेकिन स्थिति को देखते हुए मामले की गंभीरता को समझते हुए और जान है तो जहान को ध्यान में रखते हुए सभी लॉकडाउन अगर बढ़ाना पड़ता है तो उसके पक्ष में भी नजर आए। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे आउटपुट हेड राजीव श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। राजीव जी, जिस तरह से लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाने को लेकर के अटकलें लगाई जा रही है, हालांकि कुछ राज्यों में फैसला लिया जा चुका है, उत्तर प्रदेश की स्थिति को देखते हुए क्या कहेंगे आप? देखिए नंदनी, अभी जो समीक्षा हो रही है पूरे जो अभी तक 21 दिन का लॉकडाउन था उसको लेकर समीक्षा हो रही है और आज जो बात प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों के साथ करेंगे तो उसमें स्पष्ट तौर पर इन बातों को ध्यान रखा जाएगा कि कहाँ उत्तर प्रदेश के किस जिले में कैसी स्थिति है या दूसरे प्रदेशों में कैसी स्थिति है, इन परिस्थितियों को देख के आगे की तारीख बढ़ाने की बात की जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में कई सारे जिले ऐसे हैं जहां पर कोई कोरोना का संदिग्ध मरीज नहीं है या कोरोना का मरीज नहीं है, तो ऐसे में हो सकता है कि उन जनपदों को खोल दिया जाए, उन जनपदों का लॉकडाउन हटा दिया जाए, बाकी जनपदों में कुछ खास शर्तों के साथ कुछ खास नियमों के साथ लॉकडाउन लगातार जारी रखा जाए, ऐसा कोई फैसला किया जाए। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा कि शर्तें हो सकता है रखी जाएं क्योंकि लॉकडाउन खुलने के बाद भी सावधानी जरूरी है यहाँ पर जो सिचुएशन है। और जैसे कि अभी जो आंकड़ा आया है अब तक का सबसे ज्यादा, जहां 1000 से भी ज्यादा मामले कोरोना संक्रमण के आ गए, 40 से भी ज्यादा मामले मौतों की खबर सामने आई है, इस पर क्या लगता है जो हम लॉकडाउन जो हमारा उद्देश्य है कुछ किसी तरह का असर देखने को मिल रहा है, कुछ फायदा जो हमारा उद्देश्य है उसके कितने करीब है? देखिए बहुत अच्छा प्रयास किया गया सरकार द्वारा, राज्य सरकार की बात करें या केंद्र सरकार की बात करें, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये जो मरकज जमात के जो लोग हैं उन्होंने जो स्थिति बिगाड़ी है वो बहुत ज्यादा खराब हो गई है। अभी कल की बात करें तो दिल्ली में एक दिन में 183 मामले सामने आए थे जिनमें से 154 लोग जमाती से जुड़े थे, तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में भी काफी संख्या में जमात के लोग पकड़े गए हैं और साथ ही साथ अभी भी कुछ ऐसे इलाके होंगे जहां पर जमात के लोग हैं, छुपे हैं, जो सरकार की पहुंच तक, जो प्रशासन की पहुंच तक नहीं पहुंच पाए हैं, जिनको उन्होंने ढूंढ नहीं पाया, तो निश्चित तौर पर अगर वो सामने फिर से आते हैं तो फिर स्थिति खराब होने वाली बात है। और सबसे बड़ी बात है कि प्रशासन लगातार अपील भी कर रहा है, कोशिश भी कर रहा है कि वो लोग सामने आए, उनका इलाज किया जाए, लेकिन लोग सामने नहीं आ रहे हैं और ऐसे में न सिर्फ वो अपने आप को खतरे में डाल रहे हैं बल्कि अपने परिवार के साथ पूरे समाज को खतरे में डाल रहे हैं। तो निश्चित तौर पर अभी ये जरूर कहा जा सकता है कि जब तक सारे लोग सामने नहीं आ जाते हैं जो इससे कहीं ना कहीं संदिग्ध हैं या इससे प्रभावित हैं, तब तक लॉकडाउन हटाने में थोड़ा रिस्क जरूर है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण पर एक दिन में सबसे ज्यादा मामले सामने आ गए, जहां देश में एक ही दिन में 1000 से भी ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं और 40 से भी ज्यादा मौतों का आंकड़ा सामने आया। और इसको देखते हुए लॉकडाउन बढ़ाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुख्यमंत्रियों से वीसी के जरिए वार्ता करेंगे। वहीं कानपुर की अगर बात की जाए तो हॉटस्पॉट सील करने का आज तीसरा दिन, और यहां रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। साड़ीज कानपुर का जाना माना नाम, जिसके पास है डिजाइनर साड़ियों, ब्राइडल लहंगों, वसाइट लहंगों का नायाब व विशाल संग्रह, जो आपको बना दे दीवाना। श्री लगन साड़ीज जो हर खुशी के पल में है आपके साथ।
इस बार भी दे रहा है आपको ब्राइडल लहंगो व साइड लहंगो पर फ्लैट 30-50% का डिस्काउंट। आपकी खुशी हमारा हक है। श्री लगन साड़ीज, दर्शन पूर्वा व तिलक नगर, कानपुर। Hansraj Modern School makes learning joyful and fun-filled through activities like Science Park, Learn by Live Concepts, Chess Club, Learn Tactics and Strategy, Astronomy Club, Journey Beyond Stars. At Hansraj, education is managed by IITians and professionals who've been through the rigors of competition and can ensure smart careers. Hansraj Modern School, Shivpuri Road, Jhansi. I am excited to launch MS Dhoni Cricket Academy. The aim is to provide 360-degree training approach with the help of best techniques and technology to sharpen your skills. Mehman Nawazi ka Shahi Andaz. Khidmat Restaurant. Covered. And Open Air ka खुशनुमा माहौल, फुली एयर कंडीशन, बेहतरीन सर्विस, इंडियन, मुगलाई, चाइनीज एंड कॉन्टिनेंटल फूड प्रिपेयर्ड बाय वेल ट्रेन्ड शेफ, आपकी खिदमत के लिए हमेशा तैयार। खिदमत रेस्टोरेंट, ग्रैंड कीथ होटल्स, द मॉल, कानपुर। धनवंतरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल दक्षिण कानपुर का एकमात्र सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल CGHS, QCI और NABH द्वारा प्रमाणित दक्षिण कानपुर में सभी तरह के विशेषज्ञों से सुसज्जित एकमात्र सुपर स्पेशलिटी OPD राउंड द क्लॉक क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट द्वारा कवरेज एवं अत्याधुनिक मशीनों से लैस ICU कानपुर के एकमात्र विश्व स्तरीय सुपर स्पेशलिटी फुली SS मॉड्यूलर OT सभी प्रकार के कैंसर का विश्व स्तरीय इलाज। इस मुश्किल समय में आप ही तो हैं जो पहुंचा रहे हैं घर घर में सोनी सब का मनोरंजन हर दिन। सोनी सब के साथ हंसते हंसते गुजरे हैं ये कठिन दिन, मुमकिन ना हो पाता ये आपके बिन। सप्ताह का हर दिन अब भी है मनोरंजन से भरपूर, साथ है हमारा ये परिवार, भले ही हम है एक दूजे से दूर। तो तहे दिल से केबल ऑपरेटर्स का थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। बस एक ही गुजारिश है सोनी सब की आप सभी से, अपना ख्याल जरूर रखें और बेवजह घर के बाहर ना निकलें। निकले तो चेहरे पर लगाए मास्क और लोगों से बनाए रखे दूरी, अच्छे से धोए अपने हाथ, ले सावधानी पूरी, घर रहो स्वस्थ रहो। सोनी सब, खुशियों वाली फीलिंग।
आपका स्वागत है। तो आपको जानकारी दे रहे हैं कोरोना संक्रमण को लेकर के लगातार अपडेट कर रहा है जेएमडी न्यूज आपको। और इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि देश भर में एक दिन में 1000 से भी ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं, वही 40 से भी ज्यादा मौतें सामने आ चुकी हैं। तो देश में कोरोना संक्रमण से जुड़ा यह अब तक का सबसे ज्यादा मामला। बता दें कि लॉकडाउन बढ़ाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुख्यमंत्रियों से वार्ता करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की जाएगी ये वार्ता, जिसमें फैसला लिया जाएगा लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाने को लेकर। तो वहीं कानपुर की अगर बात की जाए तो हॉटस्पॉट सील करने का आज तीसरा दिन है। और इस बीच में अच्छी खबर ये कि जो होम डिलीवरी की जरूरत आन पड़ी थी फुली सील करने को लेकर के, हॉटस्पॉट सील करने को लेकर के, वो अब यहां पर व्यवस्थित होती दिख रही है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सरस वाजपेयी जुड़ चुके हैं। सरस जी, जिस तरह से आज अहम वार्ता होनी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ में, उत्तर प्रदेश की स्थिति को देखते हुए क्या लगता है, उत्तर प्रदेश के लिए क्या फैसला लिया जा सकता है? जिस तरह से मरीज बढ़ रहे हैं जी, उससे तो लगता है कि लॉकडाउन अभी और बढ़ना चाहिए, क्योंकि वही एक बचाव का तरीका है जी। और लोगों ने अभी से मन बना भी लिया है कि लॉकडाउन बढ़ेगा जी, तो उस हिसाब से जो तैयारियां उनको अपने घर में करनी चाहिए वो लगभग लोग कर चुके हैं। तो अभी तो यही माना जा रहा है कि लॉकडाउन बढ़ेगा, और जिस तरह से पंजाब और उड़ीसा ने पहले ही कदम उठा लिए हैं, जी पंजाब में बहुत तेजी से मरीजों की संख्या बढ़ी, एक एक गाँव में 40-40 लोग निकल रहे हैं कोरोना पॉजिटिव, तो वहाँ तुरंत कर्फ्यू को 31 तारीख तक बढ़ाया गया, तो फिर लग रहा है कि यहाँ भी बढ़ना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा और कोई बचाव का तरीका नहीं है। बिल्कुल। और जिस तरीके से बीच में ये मरकज का मामला सामने आ गया, और अब अगर कानपुर की बात की जाए तो यहाँ पर भी सोमवार से टेस्ट भी होने की सुविधा हो चुकी है, कोरोना टेस्ट मेडिकल कॉलेज में भी हो जाएगा, यानी अब टेस्ट भी बढ़ जाएंगे और इधर मामले भी इस तरीके से सामने आ रहे, क्या लगता है आंकड़ा क्या बढ़ सकता है? और ये आंकड़ा जो बढ़ेगा ये पहले से ही बढ़ा हुआ था टेस्ट की वजह से सामने आएगा, स्थिति कुल मिलाकर के क्या बन रही है? यदि अगर यूपी की बात करें तो यूपी की जो भौगोलिक स्थिति और जनसंख्या की स्थिति है, उस हिसाब से यूपी अन्य प्रदेशों की अपेक्षा बहुत सुरक्षित है जी। यहाँ जो भी प्रयास शुरू से किए गए उसको देखकर अगर कहा जाए, पहले जरूर ये कहा जा रहा था पुलिस सख्ती कर रही है, लोगों को सड़क पर बैठा रही, कान पकड़ के उठक बैठक करा रही है, उस समय ये लोगों को खराब लग रहा था जी। लेकिन आप अगर आकलन करें कि दूसरे प्रदेश जिनकी जनसंख्या हमसे बहुत कम है, वहां पे 5-5-10 लोग मौत हो चुकी है, लेकिन अपने यहाँ अभी तक वो संख्या काफी कम है। हमारी अपेक्षा दूसरे प्रदेशों में मौत की संख्या ज्यादा है, तो इसको ये कहा जाए कि यूपी ने जो शुरू से प्रयास किया प्रधानमंत्री के आह्वान पर, उसका नतीजा ये है कि यहाँ उतनी तेजी से कोरोना फैल नहीं पाया है जी। जी। और ये जो लॉकडाउन वाला हॉटस्पॉट वाला हुआ था, ये भी देखिए सख्ती से पालन कराया जा रहा है जी। तो यूपी में संख्या कुछ तो बढ़ेगी, लेकिन जैसी महामारी की स्थिति कहे जाए, महामारी ये घोषित जरूर है, वो महामारी स्थिति कानपुर में भी बन नहीं, यूपी में बन नहीं पा रही है जी। जी। क्योंकि यूपी में पहले से लोग जागरूक हो गए, ये जरूर जो बाहर से एकदम से आए, चाहे वो दिल्ली में रह रहे हो या कहीं रह रहे हो, उनकी वजह से और ये जो जमाती थे इनकी वजह से संख्या बढ़ी, लेकिन औसत में देखें तो यूपी में उतनी नहीं है जी। जी। अब ये शक्ति और बढ़ती जा रही है, और उससे ज्यादा ये है कि लोगों ने अब खुद मान लिया है कि इसके अलावा कोई बचाव का रास्ता है नहीं, तो जब लोगों ने आत्मसात इसको कर लिया है तो अब हमें लगता है कि यूपी में स्थिति ज्यादा बिगड़नी चाहिए नहीं, और प्रशासन भी यहाँ का, जैसे आज ये दुकानों को, दवा की दुकानों और फुटकर बाजार जो थोक बाजार था नयागंज वाला, उसको खोलने का जो फैसला लिया है, इतनी दूरी बना के आप ऐसे ऐसे सामान ले सकते हैं, दवा आपको हर समय उपलब्ध है जी। तो उसको देखते हुए लोगों को परेशानी भी नहीं होगी,
और वो आसानी से ये जो संक्रमण काल चल रहा है इससे अपना बचाव कर सकेंगे। तो एकदम से जो आपात स्थिति आई थी सब कुछ बंद किया गया था, लेकिन हालांकि समस्या वही है, संकट अभी भी वही है, लेकिन सतर्कता के साथ व्यवस्थाएं जो है उसको दुरुस्त रखने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। हालांकि आपने बताया कि उत्तर प्रदेश में स्थिति बाकी जगहों से बेहतर है, बाकी राज्यों से, लेकिन जो मरकज का मामला है, माना जा रहा है कि अभी भी ये लोग छिपे हुए हैं, इसको लेकर के क्या आने वाले समय में स्थिति बन सकती है? देखिए, इसको अब वही बात आ जाएगी कहने की कि अगर प्रशासन चाहे तो उसका एक रास्ता है, कुछ नहीं करना है जी। केवल जो कहा जाता है कि बिना कार्रवाई के भय के कोई सुधरता नहीं है जी। अब सुझाव भी सब लोगों ने दिए मुख्यमंत्री जी को, एक सीधा सा सुझाव है आशा बहु जी, आंगनबाड़ी और ग्राम प्रधान, ये तीन अपने प्रदेश में ऐसी कड़ी हैं जिनसे कोई चीज छुप ही नहीं सकती। आशा बहु है तो घर की महिलाओं से संपर्क होने के कारण घर के भीतर तक आशा बहु की पैठ होती है, आंगनबाड़ी बच्चों तक पैठ होती है, और प्रधान से हर गांव का सब काम होता है जी। इनमें अभी दहशत, इनको केवल इस्तेमाल कर ले शासन प्रशासन तो सारी समस्याओं ये कहीं भी छुपे होंगे तो वो पता होने में 24 घंटे बहुत समय है जी। और तीनों ये जो कड़ी हैं, आशा बहु, आंगनबाड़ी और ग्राम प्रधान, तीनों पे कार्रवाई करने का अधिकार जिलाधिकारी को है जी। शासन को वो सूचना भेज के इन पे कभी भी कार्रवाई कर सकता है जी। एक फैसला केवल करें कि जिस क्षेत्र में जमात से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति मिलेगा जो उसमें शामिल हुआ हो, जमात से जुड़े तो सब जगह मिल जाएंगे, जो इस दौरान दिल्ली की निजामुद्दीन में मरकज में शामिल हुआ हो, वो अगर मिलता है तो आशा बहु, आंगनबाड़ी और ग्राम प्रधान, इन तीनों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जी। आप 48 घंटे का समय अगर देते हैं कि तो अगर मरकज का आदमी मिलता है उसमें शामिल हुआ तो प्रधान, आंगनबाड़ी और आशा बहु पे कार्रवाई होगी, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 24 घंटा तब बीतेगा जब यही तीनों जो कड़ी हैं, अपनी सबसे मजबूत कड़ी हैं, ये ढूंढ ढूंढ के प्रशासन को बता देंगी कि कौन व्यक्ति किस तारीख से किस तारीख तक गांव में नहीं था, वो कहाँ गया था तो कब लौटा, उसके बाद उसके परिवार की स्थिति क्या है, किसी को बुखार है, जुकाम है, खांसी है या नहीं है, एक एक चीज 24 घंटे के अंदर ये ढूंढ के बताएंगे। लेकिन इस पर अभी पुलिस तो काम कर रही है, लेकिन पुलिस भी इन लोगों के सहारे रहती है जब तक इनको इन पर सीधी कार्रवाई का भय नहीं होगा कि अगर मेरे क्षेत्र में निकलता है तो मुझको बर्खास्त किया जाएगा, चाहे वो ग्राम प्रधान हो, चाहे आंगनबाड़ी हो, चाहे आशा बहु हो, जब इनको स्वयं पे बर्खास्तगी का भय आएगा तो ये ढूंढ के बताएंगे, 48 घंटे का समय दिया जाएगा तो मेरी गारंटी है कि 24 घंटे के अंदर ढूंढ के बता देंगे जी। बिल्कुल, जैसा कि आपने समस्या की जड़ पर बिल्कुल बात करते हुए समस्या की जड़ पर प्रकाश डाला है, बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से आपने कहा है कि किन की भूमिका यहाँ पर महत्वपूर्ण अब हो चुकी है और किन पर जिम्मेदारी डालने की जरूरत है, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां देश में एक ही दिन में 1000 से भी ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं और 40 से भी ज्यादा मौतें सामने आ चुकी हैं, और अब तक का ये एक दिन का सबसे ज्यादा सर्वाधिक रिकॉर्ड है जिसमें इतनी बड़ी संख्या में ये मामले सामने आए हैं, 1000 से भी ज्यादा संक्रमण के मामले एक ही दिन में और 40 से भी ज्यादा मौत। और स्थिति को देखते हुए अब लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाना है कि नहीं, क्या कुछ आगे फैसला लेना है, इसको लेकर के आज यानी कि शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यों के तमाम राज्यों के पूरे देश के राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वार्ता करेंगे और इस बात पर फैसला लिया जाएगा कि लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाया जाना है या नहीं। और इस बीच बड़ी खबर कानपुर देहात से आपको बता रहे हैं, जहां जुकाम, बुखार और खांसी की दवा लेने वालों का अब विवरण नोट किया जाएगा।
डीएम ने मेडिकल स्टोर संचालकों को जारी किया है यह आदेश। औषधि निरीक्षकों को सौंपी गई है निगरानी की जिम्मेदारी। और इस पर जानकारी ना देने पर मेडिकल स्टोर संचालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बड़ी खबर कानपुर देहात से आपको बता रहे हैं, जहां जुकाम बुखार और खांसी की दवा लेने वालों का विवरण नोट किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर कानपुर देहात से, जुकाम बुखार और खांसी की दवा लेने वालों का विवरण किया जाएगा नोट। डीएम ने मेडिकल स्टोर संचालकों को जारी किया आदेश। औषधि निरीक्षक को सौंपी निगरानी की जिम्मेदारी। जानकारी ना देने पर मेडिकल स्टोर संचालकों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई। बड़ी खबर कानपुर देहात से। तो कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों पर निगरानी रखने के लिए, नजर बनाए रखने के लिए बड़ी खबर कानपुर, बड़ा फैसला कानपुर देहात में लिया गया। और इस खबर पर जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता यासीन अली हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यासीन, जिस तरह से आदेश जारी किया गया है मेडिकल स्टोर संचालकों को, क्या जानकारी आपके पास इस पर? जी, आपको बता दें कि जिलाधिकारी ने साफ तौर पर जो खांसी जुकाम और बुखार के पीड़ित है उनको जो सूचना मिली थी, एक इंटेलिजेंट इनपुट है कि कुछ लोग कोरोना से जो आइसोलेट होने के डर से, जांच की डर से जो है मेडिकल स्टोरों से दवाइयां लेकर अपना गुजारा कर रहे थे, जिसको लेकर के जिलाधिकारी ने साफ तौर से जिले के जितने भी मेडिकल स्टोर हैं उनको और साथ में जो निरीक्षक हैं आईसीबी के, उनको कड़े निर्देश दिए हैं कि बगैर किसी रजिस्टर के, किसी नाम पता के किसी को जुकाम बुखार उसकी दवा न दी जाए। जी, तो कितनी कब हुआ ये आदेश जारी और अब इसको लेकर के इसके बाद क्या कुछ व्यवस्था बनाई जा रही है जिसके चलते इस पर इम्प्लीमेंट किया जा सके? जी, आपको बता दें कि कल देर रात इस पर जिलाधिकारी ने फैसला लिया है, क्योंकि उससे पहले जो इनपुट मिला था इंटेलिजेंस के माध्यम से, साफ तौर पर उन्होंने एलआई के माध्यम से इसकी जांच कराई, जिसकी पुष्टि होने के बाद उन्होंने साफ तौर पर कई लहजे में ये निर्देश जारी किए हैं। और साथ ही जो आईसीबी निरीक्षक है उनको भी कड़ी चेतावनी जारी की गई, अगर इस तरीके से लापरवाही बरती जाएगी तो निलंबन से लेकर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी, तो जिस तरीके से कड़ी कार्रवाई की बात की जा रही है, किस तरीके की कार्रवाई की जा सकती है इन मेडिकल स्टोर वालों पर अगर ये जानकारी नहीं देते हैं या सहयोग नहीं करते हैं तो? जिस तरीके से जिलाधिकारी ने साफ तौर पर आदेश दिया है कि अगर इस तरीके से मामले पाए जाते हैं, अगर कोई भी मेडिकल स्टोर संचालक अगर प्रशासन की मदद नहीं करता है तो उसके निलंबन से लगाकर उसके खिलाफ जेल भेजने तक की कार्रवाई की जाएगी, और साथ ही उस दुकान को सीज किया जाएगा और कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो होगी वो आपदा प्रबंधन के तहत वो की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो बड़ी खबर है कानपुर देहात से आपको बता रहे हैं, जहां जुकाम बुखार और खांसी की दवा लेने वालों का अब विवरण यानी कि डिटेल नोट की जाएगी। बता दें कि डीएम ने मेडिकल स्टोर संचालकों को यह आदेश जारी किया है और औषधि निरीक्षक को इसकी निगरानी करने की जिम्मेदारी सौंपी है। और ऐसे में जानकारी ना देने पर मेडिकल स्टोर संचालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जेएमडी न्यूज के साथ और विजिट करें हमारी वेबसाइट jmdtvindia.com को। नमस्कार। तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां। जिनकी आर्ट्स की है दुनिया दीवानी, वो सिंगिंग सेंसेशन अंकित तिवारी कानपुर में ला रहे हैं म्यूजिक, एक्टिंग, मॉडलिंग और डांस एकेडमी, अंकित आर्ट्स एकेडमी। तो कानपुर अपना हुनर चमकाने के लिए हो जाओ तैयार, अंकित आर्ट्स एकेडमी, अशोक नगर, जीटी रोड, कानपुर, एडमिशन्स ओपन। हेलो कानपुर, मैं संदीप नाथ, अंकित आर्ट्स एकेडमी के सभी छात्रों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ।
और आशा करता हूँ कि आपकी एक संगीतमय यात्रा बहुत सुखद और आनंददायक रहेगी। Hi, I'm Manmeet. I'm Manmeet. With the Meet Bros. Hello everyone at Ankit Art Academy. We wish you all the best for a great journey ahead with this institute. And everybody in Kanpur, you guys are lucky for such a lovely school is coming up. So check it out and wishing all the best to our dear friends Ankur Tiwari and Ankit Tiwari for this lovely venture. All the best guys. Rock it. Hey Kanpur, this is Kainat Arora. I would like to wish all the students of Ankit Arts Academy all the best and congratulations for coming up with such a beautiful initiative to Ankit and Ankur. I would like to wish all the students a very, very happy, successful years in the music world. May you prosper and do the best you can. Hello Kanpur Vasiyon, I am Rahul Vaidya and aap sabhi Kanpur Vasiyon ke liye जो म्यूजिशियंस बनना चाहते हैं उनके लिए बहुत खुशखबरी है। मेरे दोस्त अंकित और अंकुर तिवारी एक म्यूज़िक एकेडमी खोल रहे हैं जिसका नाम है अंकित आर्ट्स एकेडमी। एंड ये दोनों ही बहुत अच्छे म्यूज़िक को समझते हैं, म्यूज़िक अच्छे म्यूज़िक की कदर करते हैं। एंड मैं इन दोनों को बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहता हूँ फॉर अंकित आर्ट्स एकेडमी। एंड आप जितने भी म्यूजिशियंस हैं जो म्यूजिशियंस बनना चाहते हैं, सक्सेसफुल म्यूजिशियंस बनना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ आप ज़रूर जाएं वहाँ पे, आप ज़रूर सीखें वहाँ पे। बिकॉज कोई भी कला है उसको आप जितना सीखेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। सो ऑल द बेस्ट अंकुर एंड अंकित, ऑल द बेस्ट। एंड बहुत जल्द जब मैं भी कानपुर आऊँगा तो मैं भी एक चक्कर लगाऊँगा आपकी अकेडमी में एंड सभी स्टूडेंट से आगे मिलूँगा। नमस्कार कानपुर, मैं हूँ मनोज मुंतशिर और आज मैं अंकित आर्ट्स एकेडमी के सभी स्टूडेंट्स को अपनी तरफ से ढेर सारी बधाई और ढेर सारी दुआएं देना चाहता हूं। अंकित तिवारी हमारे स्टार, कानपुर से उठ के उन्होंने जिस तरह बुलंदी हासिल की, जिस तरह आसमान को छुआ, आज वो अपना सारा तजुर्बा, अपना सारा एक्सपीरियंस लेके कानपुर और आसपास के लोगों में बांटना चाहते हैं, स्टूडेंट्स को आगे ले जाना चाहते हैं। ये बहुत नोबल कॉज है और इसके लिए मैं अंकित और अंकुर की बहुत तारीफ करता हूं। मैं दुआ करता हूं कि अंकुर तिवारी और अंकित तिवारी का ये इनिशिएटिव बहुत आगे तक जाए और कानपुर और उसके आसपास के इलाके। और इस बीच बड़ी खबर कन्नौज से आपको बता दें, जहां जिले में मिला है पहला कोरोना संक्रमित मरीज। प्रशासनिक अमला हरकत में आया, स्थानीय लोगों पर नहीं है कोई असर। नहीं मान रहे सोशल डिस्टेंसिंग, लॉकडाउन का भी ठीक से नहीं किया जा रहा पालन। सुबह सब्जी खरीदने के वक्त लापरवाह दिख रहे लोग, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कन्नौज से, जहां जिले में पहला कोरोना संक्रमित मरीज सामने आया। कन्नौज से बड़ी खबर, जिले में पहला कोरोना संक्रमित मरीज मिला, प्रशासनिक अमला हरकत में आया। और इस पर जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता विवेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी विवेक, जिस तरह से ये पहला संक्रमण का मामला कन्नौज में सामने आ चुका है, क्या कुछ जानकारी इस पर? बिल्कुल, बता दें आपको, कन्नौज जिला बिल्कुल सुरक्षित जिला था, जो कि लॉकडाउन घोषित होने के बाद सभी लोग उम्मीद भी बनाए हुए हैं कि शायद लॉकडाउन कन्नौज जिले में खुल जाए, क्योंकि कोई भी मरीज संक्रमण अभी तक कन्नौज में नहीं मिला था। वहीं कल देर शाम को जब एक की रिपोर्ट आई है तो उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई हुई है। ये जो मरीज मिला है कोरोना संक्रमित, इसकी क्या हिस्ट्री है, किस तरीके से संक्रमण हुआ, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, 27 वर्षीय युवक जो कि ठडिया थाना क्षेत्र के गांव का है, जहां राजस्थान भिवाड़ी शहर से लौटा हुआ था, नितिन नाम बताया जा रहा है, जो कि किसी फैक्ट्री में काम करता था। जब वह 27 मार्च को कन्नौज आया, अपने गांव आया, फिर उसके परिवारजनों ने उस पर मेडिकल जांच के लिए उसको तिरवा मेडिकल कॉलेज भेजा, जहां पर उसका सैंपल लिया गया और सैंपल सही भेजा गया था, जहाँ पर उसकी निगेटिव जांच जो निकली वो पॉजिटिव निकली। वही प्रशासन को जानकारी हुई, वही स्वास्थ्य महकमा में हड़कंप मच गया। जैसे ही स्वास्थ्य महकमा में हड़कंप मचा, जिसके बाद पूरा जिले प्रशासन पूरी तरह सतर्क हुआ, वही गांव को सील कर दिया गया है। गांव में अब कोई ना जाएगा, ना ही उस गांव से कोई बाहर निकल पाएगा। कितने दिन हो गए हैं जी इस मजदूर को, ये जो आया है बाहर से, इसको कितने दिन हो चुके हैं, उसके बाद अब कितने लोगों के संपर्क में आया, परिवार में कौन कौन है, इन सब को ध्यान में रखते हुए क्या कुछ, कितनी किस तरीके की हरकत में आया प्रशासन?
बिल्कुल जिलाधिकारी कन्नौज बिल्कुल लगे हुए हैं। 27 मार्च को आया हुआ था अपने गांव, उसी की तय कर जानने की जानकारी के लिए पहले उसी से देर शाम तक बाहर होती रही। परिवार में जितने भी लोग रह रहे हैं उनका सबका सैंपल लिया गया है और गांव को बंद कर दिया गया। गांव और मोहल्ले में किसी से भी उनके परिवारजनों से बात करना मना कर दिया गया, आस पास रहने से मना कर दिया गया है। बाकी पूरे गाँव की जानकारी, पूरे गाँव की जाँच के लिए एक टीम बनाई गई है, जल्द ही गाँव के और लोगों की जांच की जाएगी। आपसे जानना चाहूंगी, जो संक्रमित मरीज है इसने खुद आगे से आकर के अपने बारे में बताया, अपनी तबीयत के बारे में, या फिर लोगों ने जानकारी दी, परिवार ने जानकारी दी, किस तरीके से सामने आए? बिल्कुल, उसको बुखार आया जिसके बाद 2 या 3 तारीख को इनके परिवार जनों ने इसको बताया कि आप तिरवा मेडिकल कॉलेज जाए जांच कराने के लिए। वहां पर तिरवा मेडिकल कॉलेज अपनी स्वेच्छा से जांच के लिए आया था, वहां पर सैंपल दिया था, जिसके बाद बोला अपने घर में चला गया था। अब सवाल खड़ा होता है कि अगर 27 मार्च को अपने गांव आया था, अपने घर आया था, जिसके बाद जांच के लिए भेज दिया गया, तो इसको क्वारंटाइन क्यों नहीं किया गया? अब घर में और गांव में कहां कहां संपर्क हुआ, इसकी जांच प्रशासन कर रहा है। बहुत जरूरी है जांच करना इस पर। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो बड़ी खबर आपको कन्नौज से बता रहे हैं, जहां जिले में पहला कोरोना संक्रमित मरीज सामने आ चुका है। बता दें कि मामला सामने आते ही प्रशासनिक अमला हरकत में आ गया है, लेकिन अगर वहां की स्थिति की बात की जाए तो स्थानीय लोगों पर किसी भी तरह का कोई असर नहीं देखा जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते दिख रहे हैं कन्नौज में लोग, लॉकडाउन का पालन ठीक से नहीं हो रहा है। सुबह सब्जी खरीदारी के वक्त, सब्जियां वगैरह खरीदने के वक्त साफ तौर पर लापरवाही कन्नौज में देखी जा रही है। और फिलहाल इस बड़ी खबर में इतना ही, देखते रहिए।